खबर गाजियाबाद से है, जहां दूल्हे को डेंगू हुआ तो दुल्हन सीधे अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के एक हॉल को मंडप बना दिया गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह के बंधन सूत्र में बंध गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोंडली के रहने वाले अविनाश की शादी फरीदाबाद निवासी अनुराधा से तय हुई थी। शादी की तारीख 27 नवंबर फिक्स हुई, पर शादी के ठीक चार दिन पहले अविनाश को बुखार आ गया। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद 25 नवंबर को गाजियाबाद के वैशाली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। अविनाश की प्लेटलेट गिरते गिरते 10,000 तक पहुंच गई। डॉक्टर किसी भी सूरत में उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे, जिसके बाद अस्पताल में ही मंडप बना दिया गया और कुछ लोगों की मौजूदगी में दोनों ने शादी की। फिलहाल दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए संवाददाता अजीत रावत गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक अलग मामला सामने आया है, जहां पर हॉस्पिटल में शादी होने का ये मामला है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में एक नया मामला देखने को मिला है, जो कि चर्चाओं में काफी चर्चाओं का विषय बन गया। आपको बता दें कि दिल्ली को डेंगू हो गया था। आपको बता दूं कि शादी की तारीख जो थी वो नजदीक आती चली गई, और जो घर वाले थे, परिजन जो थे, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। बीमारी से काफी समय से इलाज चल रहा था उनका, और आपको बता दूं कि तारीख नजदीक आते ही सभी परिवार जन ने आपस में सलाह करके और अस्पताल में ही ये शादी का प्रस्ताव रखा, और अस्पताल में ही गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में विवाह संपन्न होने के बाद उन्होंने सारा जो किया पूरे विधि विधान के साथ वहां पर अस्पताल में ही उन्होंने शादी रचाई। और आपको बता दूं कि ये फिल्मी अंदाज था, और फिल्मी अंदाज में विवाह पिक्चर की विवाह पिक्चर आपने देखा होगा कि विवाह पिक्चर बनी थी, जिसके आधार पर इसको अब हकीकत में देखा जा रहा है। शाहिद कपूर जिसमें अहम भूमिका रोल निभा रहे थे, अस्पताल में ही एडमिट थे। तो आपको बता दूं कि अभिनेता समय पर शादी करने के लिए सीधा अस्पताल पहुंच गए थे, तो उसी का एक सीन था जो दर्शाया गया, और ये शादी जो शादी हुई ये संपन्न हो पाई। बिल्कुल अजीत, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां दूल्हे को डेंगू हुआ तो दुल्हन सीधे अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल के एक हॉल को मंडप बनाया गया और वहां शादी की गई।